तीन तरह की आज़ादी चाहिए हमें, सोशल, पॉलिटिकल और इकोनॉमिकल। SBCCI बनी, समृद्ध भारत चैम्बर ऑफ कॉमर्स बनी है, ये इकोनॉमिक जस्टिस के लिए बनी है। नौकरी गरीबी का सॉल्यूशन नहीं है, नौकरी से आप अपनी ज़िंदगी गुजार सकते हैं, लेकिन आपका अगला पीढ़ी क्या करेगा? नौकरी से केवल जीविकोपार्जन हो सकता है, परिवार की, समाज की, राष्ट्र की विकास नहीं हो सकता। हम छोटे से मंझोले और छोटे तबके के लोगों को कैसे इकोनॉमिक जस्टिस दिलवाएं, कैसे हम उनको बिजनेस व्यापार में ऊपर उठाएं, इसके लिए ये SBCCI का निर्माण हुआ है। इसमें जुड़ने के लिए दो तरह से जुड़ सकते हैं, एक तो शेयर होल्डिंग मेंबर बन सकते हैं, एक नॉन शेयर होल्डिंग मेंबर बन सकते हैं। आप एक बार जब नेटवर्किंग से जुड़ेंगे तो सभी व्यापारियों को फायदा होगा, छोटे बड़े सबको। बिना बिजनेस व्यापार के आपकी आर्थिक उन्नति नहीं हो सकती। नमस्कार, मैं प्रियंका, आप देख रहे हैं जनहित आवाज़। इस वक्त दिल्ली में हूँ और हमारे साथ कुछ गेस्ट हैं, उनसे बातचीत करेंगे। समृद्ध भारत चैम्बर ऑफ इंडस्ट्री तमाम उद्योगपति हैं, लेकिन SC ST OBC की भागीदारी कितनी है, जब आप आंकड़े देखेंगे तो आप हैरान रह जाएंगे, क्योंकि SC ST OBC कहीं ना कहीं शोषित है, वंचित है उद्योग से, बिजनेस से। सर, क्या कहेंगे, जिस प्रकार से ये कार्यक्रम आज आपने रखा है उस पर क्या कहेंगे? ये कार्यक्रम साहू जी महाराज की आज जयंती के अवसर पर रखा गया है, जिसमें जो लोग पिछड़ गए हैं समाज में या व्यापार में, उनको सरकार की बहुत सारी ऐसी जानकारियां हैं जो लोगों के तक पहुंचती नहीं हैं। और अभी ग्रामीण लोग केवल ये सोचते हैं कि उनके पास किसी तरह नौकरी मिल जाए, चाहे प्राइवेट में या सरकारी, तो इससे उनका जीवन यापन हो जाएगा और उनके बच्चे पढ़ सकेंगे। वास्तव में जो ये प्रोग्राम है और जितनी MSME और NSIC की गरीब लोगों के लिए गांव में, ग्रामीण, कृषि क्षेत्र में, सार्वजनिक क्षेत्र में बहुत सारी ऐसी अपॉर्चुनिटीज हैं जहाँ सरकार सहयोग करती है बिना किसी कोलेट्रल के, तो उन लोगों को, उनके लिए बहुत अपॉर्चुनिटी है। उनको बहुत सारी ऐसी योजनाएं जो MSME के अधिकारीगण थे उन्होंने प्रेजेंटेशन से दिखाया, इससे वो लोग बहुत लाभान्वित हो सकेंगे। कब शुरू किया आपने, या कब सोचा कि ऐसा कार्यक्रम रखेंगे ताकि लोग जुड़ पाएंगे? ये लगभग 2 साल पहले इस ट्रस्ट की आवश्यकता के बारे में सोचा गया और कुछ लोगों ने मिल करके उस ट्रस्ट को बनाया, जिससे उन लोगों को ज़रूरत पड़ने पे, जो बहुत ही जिनको कहीं से फंडिंग नहीं हो रही, तो उनको ज़रूरत पड़ने पर कुछ आर्थिक मदद भी की जा सके, ताकि वो आर्थिक मदद लेने के बाद अपना व्यापार बढ़ा के उस मदद को वापस कर देंगे। तो लगातार सर आप देखेंगे कि SC ST OBC की भागीदारी व्यापार में नहीं है, वो कहीं ना कहीं डरते हैं कि हमारे साथ फ्रॉड हो जाएगा, इसको कैसे देखते हैं आप? देखिए, बाबा साहब ने कहा था संविधान में कि तीन तरह की आज़ादी चाहिए हमें, सोशल, पॉलिटिकल और इकोनॉमिकल। सोशल फ्रीडम और पॉलिटिकल फ्रीडम के लिए तो सब लोग लड़ रहे हैं, तमाम राजनीतिक पार्टियां, तमाम बड़े नेता लड़ रहे हैं, लेकिन इकोनॉमिक जस्टिस के लिए कोई नहीं लड़ रहा है। तो ये जो SBCCI बनी, समृद्ध भारत चैम्बर ऑफ कॉमर्स बनी है, ये इकोनॉमिक जस्टिस के लिए बनी है। हम छोटे से मंझोले और छोटे तबके के लोगों को कैसे इकोनॉमिक जस्टिस दिलवाएं, कैसे हम उनको बिजनेस व्यापार में ऊपर उठाएं, इसके लिए ये SBCCI का निर्माण हुआ है। और आज जो स्थापना दिवस मना रहे हैं, हम हर साल मनाते हैं, और बीच बीच में अलग अलग प्रोग्राम होते हैं जिसमें हम छोटे मंझोले और गरीब तबके के छोटे बिजनेसमैन को, सबको आपस में जोड़कर और एक दूसरे को लाभान्वित करते हैं। कैसे इस संस्था से लोग जुड़ सकते हैं, किस प्रकार से, क्या कोई जानकारी है? इसमें जुड़ने के लिए दो तरह से जुड़ सकते हैं, एक तो शेयर होल्डिंग मेंबर बन सकते हैं, एक नॉन शेयर होल्डिंग मेंबर बन सकते हैं। शेयर होल्डिंग मेंबर की जो लिमिट है वो 10,000 शेयर 1,00,000 रुपये का और 20,000 शेयर 2,00,000 रुपये का है। और नॉन शेयर होल्डिंग मेंबर जो है, एक 10,000 का मेंबरशिप है, एक 3,000 का मेंबरशिप है। ये एनुअल मेंबरशिप फीस है, तो एनुअल मेंबरशिप फीस देके आप इसमें जुड़ सकते हैं और हमारे तमाम नेटवर्क से आप एक बार में ही जुड़ जाएंगे और अपनी समस्याओं का समाधान आपको मिल सकता है। तमाम लोग हैं जो एक बार व्यापार में पिछड़ जाते हैं या फिर उनके साथ कुछ फ्रॉड हो जाता है तो वो अपने आप को डिप्रेशन का शिकार बना लेते हैं, वो व्यापार में आना ही नहीं चाहते, उनको कैसे देखते हैं? देखिए, हर चीज़ में समस्या है, बट समस्या को हम कलेक्टिव रूप से सोल्व कर सकते हैं। कलेक्टिव रूप से कैसे होगा, जब आप एक संस्था से जुड़ेंगे, जब आप
जब बहुत लोगों को जानेंगे, आप 100, 50, 10, 20 हज़ार लोगों को जानेंगे, तो आपकी समस्या अपने आप स्वतः सोल्व हो जाएगी। आपको जो प्रॉब्लम है वो इसलिए है कि आप अलग थलग बिजनेस करना चाहते हैं। आप कलेक्टिव रूप से बिजनेस कीजिए, तो कलेक्टिव रूप से बिजनेस करेंगे तो आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कलेक्टिव हो जाएगा। क्या कहेंगे आप, जिस प्रकार से एससी एसटी ओबीसी समाज जो है वो आना ही नहीं चाहता, वो नौकरी में उलझ के रह गया, वो मजदूरी में उलझ के रह गया है, वो बिजनेस में अपने पैर नहीं जमा रहा है अभी तक। जब तक लोगों को ये पता नहीं चलेगा कि नौकरी से केवल जीविकोपार्जन हो सकता है, परिवार की, समाज की, राष्ट्र की विकास नहीं हो सकता, और राष्ट्र के विकास के लिए सबकी भागीदारी जरूरी है, तो सरकार ने बहुत सारी ऐसी योजनाएं, जैसा कि मैंने पहले बताया, ऐसी योजनाएं दी हुई हैं जिनके माध्यम से उनको तरह तरह की ट्रेनिंग होती है। वो ट्रेनिंग फ्री ऑफ कॉस्ट है। वो अपनी क्षमता अनुसार अपनी कंपनी को खोल करके, अपने फर्म को खोल करके, व्यक्तिगत रूप से उसका एमएसएमई में रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। इसके बाद सरकार से तरह तरह के सहूलियत जो मिलती है, तरह तरह के फंडिंग जो मिलती है, उसको लेकर के आगे बढ़ सकते हैं। साथ ही साथ वो नियम, जितने सारे नियम की जानकारी ट्रस्ट में जुड़ने से उनको मिलेगी, उसमें तमाम सारे बुद्धिजीवी हैं जो बताएंगे कि आपको समय समय पर कौन कौन से नए नए कानून हैं, उन कानून का पालन करते हुए आपको कैसे छोटे से लेकर के बड़ा व्यापार बढ़ाने के लिए प्रयास करना। छोटे व्यापारियों को किस प्रकार से लाभ होगा? मौजूदा सरकार में बताया जा रहा है कि छोटे व्यापारियों की हालत एकदम जर्जर हो चुकी है, तो आप बताइए कि इसके माध्यम से छोटे व्यापारियों का फायदा कितना होगा? सबका फायदा होगा। आप एक बार जब नेटवर्किंग से जुड़ेंगे तो सभी व्यापारियों को फायदा होगा, छोटे बड़े सबको, क्योंकि बिजनेस इज ए मैटर ऑफ नेटवर्किंग। जितना नेटवर्किंग आपका बढ़ेगा उतना आपका बिजनेस बढ़ेगा। देखिए, आपको ये समझना पड़ेगा कि नौकरी गरीबी का सॉल्यूशन नहीं है। नौकरी से आप अपनी जिंदगी गुजार सकते हैं, लेकिन आपका अगला पीढ़ी क्या करेगा? आपकी नौकरी कितनी भी बड़ी हो, वो गारंटी नहीं है कि अगली पीढ़ी को नौकरी मिलेगी। इसीलिए ये जो फोरम है बिजनेस का, एसोसिएशन है जो बिजनेसमैन का, उससे जुड़ना इसलिए जरूरी है कि बिना बिजनेस व्यापार के आपकी आर्थिक उन्नति नहीं हो सकती। तो आप लोग साफ तौर पे देख पाए होंगे, जब बहुजन पढ़ेगा तभी बढ़ेगा, लेकिन बहुजन व्यापार कब करेगा, ये अपने आप में बड़ा सवाल है कि बहुजन व्यापार कब करेगा और बहुजन इकोनॉमिक जस्टिस के लिए कब लड़ेगा। अपने आप में ये बहुत बड़ा सवाल है। इस खबर के बारे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।